यहाँ धुआंधार ना पहुंच सके, वे सब सरस्वती घाट और पंचवटी घाट पर आरती का आनंद ले सकते हैं, मैया की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप क्यों पढ़ रहे? छोड़िए 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 ना, आप छोड़िए ना, छोड़िए। सर 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 प्लीज सर प्लीज सर 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 अपनी गुहार लगाने आई थी कि मैंने सब दरवाजे खटखटाए, एसपी साहब के यहाँ भी गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, मुझे कौन बचाएगा, इस बेटी को कौन बचाएगा? ये मैं इनके सामने प्रार्थना लेकर आई हूँ, तो मुझे प्लीज़ बचाइए। क्या परेशानी है मैडम? प्रतिभा सिंह से बहुत परेशान हूँ और बहुत बताड़ी थी उनके बेटों से, और आज उन्होंने पुलिस, जितनी महिला थाने की पुलिस थी उनको मेरे पीछे लगा दिया कि मैं आवेदन ना दे पाऊँ। क्या परेशानी मैडम बताइए? बहुत परेशान करती हैं, हम घर से निकालती हैं, घर से सामान फिटवाती हैं, महिला थाने की महिलाओं को बुला के मुझे पिटवाती हैं, प्रताड़ित करती हैं। अभी वो खुद आई बोलने के लिए, यानी उन्होंने, उनको पता चल गया था कि मैं आ चुकी हूँ, उसके बाद उन्होंने ये पूरी प्लानिंग कर दी कि मेरे पीछे पूरी महिला थाने की पुलिस को लगा दिया कि मैं, ताकि उनसे शिवराज जी से अपनी समस्याओं का समाधान ना बता कर सकूं, ना बता सकूं। ऐसा कब से आपको परेशान कर रहे हैं? हो गया सर, मुझे 9 महीने हो गया आवेदन देते देते, और 6 साल हो गया मेरे पति को गए, 6 साल से बोलते जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है, मतलब प्रदेश का मुखिया भी नहीं सुनने के तैयार, कोई सुनने के लिए तैयार, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी भी नहीं मिलने के लिए तैयार। महिला थाने में आवेदन दिए, सीएम हेल्पलाइन में आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सब मैं हर एक वो दरवाज़ा खटखटाया जहाँ मुझे न्याय मिले, लेकिन सिर्फ वो विधायक हैं इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर वो विधायक है तो हमारी